अकलेरा नगर पालिका सभागार भवन में जिला कलेक्टर हरिओम मीना की अध्यक्षता में कोविड 19 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला कलेक्टर के द्वारा अधिकारियों को कोविड 19 महामारी के चलते ग्रामीण इलाके में डोर टू डोर सर्वे निरंतर जारी रखने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीज और सर्दी जुकाम के मरीजों की पहचान सही समय पर होने से मरीजों को उपचार तुरंत हो पा रहा है और कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में सहायता मिल रही है। साथ ही उन्होंने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए हाथों को सैनिटाइजिंग करना और बेवजह घरों से बाहर ना निकलने, मुंह पर मास्क लगाने जैसे दिशा निर्देश का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मीना ने बताया कि कस्बे में गर्मी के समय पानी की किल्लत को देखते हुए टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई के लिए अवगत कराया गया है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि इस संकट की घड़ी में आप सभी सहयोग करें, इस कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने में सफलता मिलेगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीना, तहसीलदार रामनिवास मीना, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक नागर, थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह आदि सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। R9 भारत के लिए भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट, अकलेरा, झालावाड़। आज वार्ड नंबर 47 में वार्ड प्रत्याशी उर्मिला जी गुर्जर के नेतृत्व में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें वार्ड में मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण किया गया और लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की गाइडलाइन के तहत आमजन को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्रीमती मनीषा जी पवार, विधायक जोधपुर शहर शास्त्री नगर, ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर जी गुर्जर, वार्ड 40 पार्षद प्रत्याशी भारती जी, हेमंत जी शर्मा, रामनिवास जी गोत्रा, राजेंद्र किशन आदि सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 47 में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि को आयोजन रखा गया। इसमें सभी कार्यकर्ताओं और सभी लोगों ने अपने मास्क वितरण का कार्यक्रम किया। उसके साथ ही साथ हमारे श्रीमान ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान रामेश्वर जी गुर्जर और वार्ड नंबर 40 के प्रत्याशी भारती जी शर्मा, साथ ही साथ रामनिवास जी गोदारा, जगदीश जी पाटी आदि सभी उपस्थित रहे और हमारे वार्ड के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र किशन जी व्यास ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें हम आधुनिक युग को जो अभी भविष्य में चल रहा है, कंप्यूटर कार्य और मोबाइल कार्य, इसमें हम राजीव गांधी जी को पूर्णतया याद करते हैं कि राजीव गांधी जी ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया और युवाओं को बेरोजगार होते हुए भी रोजगार आज मिल रहा है। इसमें हम राजीव गांधी जी को कभी भी भूल नहीं सकते। R9 भारत के लिए किशन कायत की रिपोर्ट, जोधपुर। कोरोना महामारी से पूरा देश जहां जूझ रहा है, ऐसे में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एक सामाजिक संगठन और नर्सिंग कर्मियों ने वार्ड में भर्ती मरीजों का उत्साह वर्धन किया है। रोट्रैक्टर क्लब के सदस्यों और नर्सिंग कर्मियों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज और गंभीर मरीजों के मध्य जाकर गीतों के माध्यम से तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया। इस दौरान सामाजिक संगठन और नर्सिंग कर्मियों के इस प्रयास से मरीजों में उत्साह देखने को मिला है। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता कोरोना से बचाव को लेकर पीपी किट के साथ वार्ड में मौजूद रहे। सामाजिक संगठन का यह पहल सराहनीय है। इस प्रकार के आयोजन से चिकित्सा कर्मी, सहायक कर्मचारी और नर्सिंग कर्मियों का भी मनोबल बढ़ा। रोटरी क्लब द्वारा झालावाड़ में शुरू से ही सेवा कार्य किए जा रहे हैं। रोटरी क्लब की शाखा रोटरी क्लब द्वारा, जिनके अध्यक्ष माननीय श्री नमन जैन द्वारा, बहुत ही सेवा के कार्य किए जा रहे हैं और रोटरी क्लब के सहयोग से आज रोटरी क्लब द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल एवं SRG हॉस्पिटल में लाइव बैंड प्रस्तुति दी गई। कोविड मरीजों को और कोविड मरीजों के परिजनों को, जो कि अवसाद निराशाजनक बातें कर के लोगों को कि भाई वो मर रहा है और ये मर रहा है, उस जानकारी को छोड़ते हुए उनको एक मनोरंजन का कार्यक्रम दिया गया, जिसको बहुत सराहा गया और सभी मरीजों को बहुत प्रसन्नता हुई। R9 भारत के लिए अजय मोमिया की रिपोर्ट, झालावाड़। बकानी थाना क्षेत्र के कुशलपुरा गांव के समीप मोड़ पर रात्रि में तेज स्पीड से आ रहे ट्रैक्टर ने सामने से आ रही बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अचेत हो गया, जिसे अचेतावस्था में परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकानी में लाया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश चंद्र पुत्र पुरीलाल जाति तनवर
उम्र 19 वर्ष निवासी नारडी कला में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन राय सिंह पुत्र रतन लाल ने डॉक्टर मृत्युंजय मंडल के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय मंडल घायल अवस्था में लाए गए व्यक्ति का उपचार नहीं किए, प्रशासनिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिए, तो वही प्रकाश चंद की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बिना उपचार किए ही मृत घोषित कर दिया और कहा कि घर ले जाओ। उसके बाद परिजन पुलिस थाना बकानी में गए तो उन्हें वहां 6 बजे बोलकर भगा दिया गया। उसके बाद परिजन शव को घर से सुबह निजी वाहन से मोर्चरी लेकर आए, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर अंतिम शल्य चिकित्सा 10 बजे उपरांत की गई। अनासो कुशलपुरा रिश्तेदार में से जाते हो घर और सामने से टेक आया कुशलपुरा का जो बड़ी का गया जैसा एक्सीडेंट। अच्छा, तो वो वहाँ से जो गाड़ी एम्बुलेंस नहीं लाया और निजी गाड़ी लेकर आ गया था, निजी गाड़ी लेकर आ गया था जो वहाँ से चली थाना में चल गया। थाना में से वहाँ की भाई सपाखाना ले जाओ, सपाखाना में से मना कर दी घर ले जाओ। क्यों, उसकी डेथ हो गई थी क्या उस टाइम? तो डॉक्टर नहीं राज। R9 भारत के लिए गिरिराज रेगर की रिपोर्ट, बकानी झालावाड़। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में बड़े वॉरियर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वे देश भर में पीड़ित लोगों की मदद करने में जुटे हैं और इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहारा ले रहे हैं। ऐसी ही एक गुहार जोधपुर के एम्स में भर्ती मरीज के परिजन ने ट्विटर के माध्यम से इस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन को लेकर सोनू सूद से मदद मांगी है। सोनू सूद ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए त्वरित मदद का हाथ बढ़ाया और तत्काल मुंबई में इंजेक्शन का हवाई मार्ग से रवाना किया। इसके साथ ही जोधपुर में उनकी टीम के सदस्य हितेश जैन व राजवीर ने जोधपुर से दिल्ली के लिए कार से कल शाम रवाना हो गए। आज थोड़ी देर में मरीज को इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएगा। दोनों युवक लगातार सफर कर इस दवा को जोधपुर लेकर पहुँच रहे हैं। R9 भारत के लिए किशन कायत की रिपोर्ट, जोधपुर। कामखेड़ा पुलिस ने कस्बे में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने कामखेड़ा थाना क्षेत्र के देवरी जागीर निवासी आरोपी राम कल्याण पिता रंगलाल मीणा को रोककर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी राम कल्याण को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस का अनुसंधान जारी है। सर, कल हम रात को नाकाबंदी कर रहे थे ढाबा जोड़ पर, तो वहाँ पर 11:50 PM पर एक आदमी पैदल चलता हुआ आया, जो पुलिस को देख करके इधर उधर जाने लगा, तो हमने उसका पीछा करके उसको पकड़ा और उसका नाम पता पूछा, तो उसने अपना नाम राम कल्याण सुनो रंगलाल जाति मीणा निवासी देवरी जागीर का होना बताया। और उसकी शक होने पर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास में एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिस पर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार किया गया। R9 भारत के लिए भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट, अकलेरा।